हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रेजी दैट इज कॉन्सेप्ट रिवीजन एनी टाइम एनी वेयर फॉर जेई मेंस, जेई एडवांस्ड, अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स। तो ये प्रॉब्लम आप देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, जेई एडवांस की प्रॉब्लम है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और बहुत ही, मैं इसको कहूंगा, अमेजिंग कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, काफी सारे कॉन्सेप्ट आपके बूस्ट होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, मजा आने वाला है। अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, जिससे ऐसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इरोडो क्रोटो जैसे बुक्स के सवालों के सोल्यूशन आपको मिलते रहे। तो देखिए, फिगर शोज अ स्मूथ सिलेंड्रिकल पुली ऑफ रेडियस आर। ये पुली है जिसका रेडियस है आर और ये सिलेंड्रिकल है, ठीक है, विद सेंटर एट ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इसका मतलब इसका जो सेंटर है ये ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स यानी 0,0। एन आइडियल थ्रेड इज थ्रोन ओवर इट। ऑन द टू पार्ट्स ऑफ द आइडियल थ्रेड टू आइडेंटिकल मास आर टाइड इनिशियली एट रेड्स विद को। अच्छा, तो ये आइडियल थ्रेड इसके ऊपर दिया। आइडियल थ्रेड का मतलब है कि फ्रिक्शन जीरो, पुली और थ्रेड के बीच में फ्रिक्शन नहीं लग रहा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं आर कॉमा जीरो और अगर ये रेफरेंस लाइन है, ये वाली लेंथ आर है और ये वाली लेंथ जो है ये भी आर है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये है माइनस आर कॉमा माइनस आर, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। इफ मास x इज गिवन अ स्लाइड जर्क, इस मास m को स्लाइड जर्क दिया अपवर्ड, इट लीव्स कॉन्टेक्ट फ्रॉम द पुली एट r cos phi कॉमा r sin phi, देन phi अपॉन sin phi का रेशियो बताना है। काफी अमेजिंग प्रॉब्लम है, आइए सॉल्यूशन देखते हैं, काफी मजा आने वाला है। ये देखिए, मान लीजिए ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस था, ठीक है, और ये वो रही आपकी जो भी डिस्क थी। यहाँ पे जो m मास है ये इसके ऊपर से ऐसे 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 और ये वाला m मास यहाँ पे लगा हुआ है, राइट। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट ये इन्होंने दिए हैं ये माइनस आर कॉमा माइनस आर है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये मतलब बिल्कुल इसके ऊपर ही है जस्ट, राइट। इसको वीडियो को कंप्लीट देखना भाई, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, मैं इतनी बार एम्फेसिस कर चुका हूँ। ये बिल्कुल यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ के बिल्कुल ऐसे यहाँ पे एम मास है, बिल्कुल यहाँ पे, यानी कि माइनस आर कॉमा माइनस आर पे, ठीक है। इस मास को स्लाइड जर्क दिया है अपवर्ड, तो ये किसी थीटा किसी एंगल फाई पे आके अपना कॉन्टेक्ट लीव करता है डिस्क के साथ, तो ये एंगल यहाँ पे कहीं पे आता है और कॉन्टेक्ट लीव करता है और एंगल फाई बनाता है। फाई मैंने हॉरिजॉन्टल से क्यों माना, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट आर कॉस फाई है। अगर आप वर्टिकल से फाई ले लेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट आर साइन फाई आ जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया आर कॉस फाई कॉमा आर साइन फाई, ठीक है। अब यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट लीव करता है। अब इस बॉडी पे अगर मैं इस बॉल को देखूंगा तो ये बॉल इससे चिपका हुआ है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा और नीचे इस पे एम जी फोर्स लग रहा होगा, राइट। तो आप एक चीज देखिए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाऊँ इस वाले मास एम का, इस एम का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इधर लग रहा होगा एन, ये यहां से एक सेकंड, ये जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है, जिस सर्कल का सेंटर है ओ, रेडियस आर और एंगल फाई, ठीक है, और इधर इसके जस्ट परपेंडिकुलर लग रहा है एम जी और इस डायरेक्शन में लग रहा है एन, राइट। अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल 90 माइनस फाई हो जाएगा, तो इधर एम जी का कॉम्पोनेंट हो जाएगा एम जी कॉस 90 माइनस फाई और इधर एम जी का कॉम्पोनेंट हो जाएगा एम जी साइन 90 माइनस फाइव। और मान लीजिए ये इधर है तो इसकी कुछ स्पीड इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में v होगी, तो इसके परपेंडिकुलर टेंजेंशियल में वेलोसिटी मान लेता हूँ v, ठीक है। तो पहली इक्वेशन आप सर्कुलर मोशन से बनाएं, इस पार्टिकल पे सर्कुलर मोशन से बनाएं, जब ये कॉन्टेक्ट लीव करने वाला होगा सर्कुलर मोशन कुछ फाइव पे आके कॉन्टेक्ट लीव करेगा, सर्कुलर मोशन की आपकी क्या इक्वेशन रहेगी, सर्कुलर मोशन की इक्वेशन रहेगी जो सेंटर पे फोर्स लग रहा है एम जी कॉस 90 माइनस फाइव माइनस आउटवर्ड फोर्स एन इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से आ जाएगा एम जी साइन फाई माइनस एन इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाय आर। अब आप देखिए कि फाई एंगल पे कॉन्टेक्ट लूज करने का मतलब क्या है, नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। कॉन्टेक्ट लूज मतलब वो उससे हट गया, तो अब नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ही नहीं क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। तो एम जी साइन फाई इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से एम से तो एम कट जाएगा, तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी जी आर साइन फाई। तो जिस वेलोसिटी से ये लीव करेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी जी आर साइन फाइव, ठीक है। अब आप एक और चीज इसमें नोटिस करिए कि अगर ये आपकी डिस्क थी और ये जो मास था ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये इसके ऊपर लिपटते हुए आ रहा था और ये मास पहले यहाँ पे था, ठीक है। अगर मैं इसको रेफरेंस लेवल मान लूँ तो पहले ये मास रेफरेंस से आर नीचे था, अब जब ये मास यहाँ से यहाँ चल कर आया, जब ये मास यहाँ से यहाँ तक चल कर आया और ये फाइव था, रेडियस आर था, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी आर फाइव। अब क्योंकि इसकी स्पीड v है और स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो इसकी स्पीड भी v हो जाएगी। फाइनली कुछ टाइम बाद जब ये यहाँ पे आ जाएगा नीचे, जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो ये कुछ नीचे आ जाएगा m और उसकी स्पीड होगी v। और ये कितना नीचे आएगा वो आपको देखना पड़ेगा, क्यों, ये अगर यहाँ से यहाँ गया है तो ये लेंथ r5 है, तो अगर ये r5 चला है तो ये r5 ही नीचे आ जाएगा, ठीक है।
अब आप इस पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए, इसको आप बोल दीजिए ये आपका रेफरेंस लेवल आप मान लीजिए। एनर्जी कंजर्वेशन से देखिए आप, फिर मैं आपको वर्क एनर्जी थ्योरम से इसको करके बताता हूँ, वो भी एनर्जी कंजर्वेशन का ही पार्ट। वर्क एनर्जी थ्योरम से इसको मैं देखूं तो इसमें वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन होगा, प्लस वर्क डन बाय टेंशन होगा, और वो डेल्टा के बराबर होगा, राइट। वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो होगा, क्यों? क्योंकि नॉर्मल हमेशा डिस्प्लेसमेंट जो इसका ऐसे हो रहा है उसके परपेंडिकुलर लग रहा है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो। टेंशन का वर्क जीरो होता है क्योंकि टेंशन एक इंटरनल फोर्स है, पुली की प्रॉब्लम्स में आपने बहुत बार देखा होगा टेंशन का वर्क कटकुटा के जीरो आ जाता है। ग्रेविटी का वर्क होता है माइनस डेल्टा यू, ठीक है। तो यहाँ से आ गया माइनस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा के, फ्रॉम हियर डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा के इज इक्वल्स टू जीरो। डेल्टा यू इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल एंड के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल्स टू जीरो। तो मैं यहाँ से इसमें एनर्जी कंजर्वेशन बोल सकता हूँ, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल्स टू यू फाइनल प्लस के फाइनल, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल्स टू यू फाइनल प्लस के फाइनल, राइट। ये हो गया, ठीक है। अब आप देखिए इस सिस्टम पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो सिर्फ इस ब्लॉक की थी क्योंकि रेफरेंस से आर लेवल नीचे था, तो इसकी इनिशियल हो जाएगी माइनस एम जी आर, ठीक है। प्लस उस वाले की जो ये वाला है इसकी जीरो है, और वेलोसिटी भी दोनों की जीरो है, काइनेटिक भी जीरो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आप देखेंगे, मैं यहाँ पे डायग्राम दोबारा बनाता हूँ, अगर आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो ये कुछ यहाँ पे आ गया और ये मास जो है ये यहाँ पे चला गया, ठीक है। ये वाली लेंथ r थी और ये जो हो गई ये r5 हो गई, ये r, और ये जो लेंथ थी ये r5 हो गई रेडियस के बराबर। ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था जो कांटेक्ट छूटते ही खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये कितना चला गया, ये कितना ऊपर चला गया, ये ऊपर चला, ये वाला जो था इस पे, इसकी आप देखेंगे तो ये चला, ये वाले जो डिस्टेंस था ये डिस्टेंस आपका था r sin phi, तो ये ब्लॉक r sin phi रेफरेंस से ऊपर चला गया, तो mg r sin phi इसका वो हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल। इसकी फाइनल पोटेंशियल हो जाएगी, इसकी हो जाएगी माइनस mg r प्लस r phi, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक ये r प्लस r phi के बराबर हो जाएगी, प्लस फाइनल स्पीड इसकी भी v होगी और इसकी भी v होगी क्योंकि पुली जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो कांस्टेंट है, तो हाफ एम वी स्क्वायर, और इसका डबल कर दूंगा क्योंकि दो पार्टिकल है, समझ में आया। मैंने क्या किया, इसकी इनिशियल एनर्जी लिखी जीरो, इसकी इस वाले जो m मास यहाँ पे था इसकी इनिशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस एम जी आर क्योंकि रेफरेंस से r नीचे था। फाइनल में जब ये यहाँ से यहाँ चल के आ जाएगा तो फाइनल, अगर यहाँ से यहाँ आएगा तो ये r phi आ जाएगा, तो ये ब्लॉक r phi नीचे चल जाएगा। अब रेफरेंस से इसकी डिस्टेंस हो गई r प्लस r phi, तो इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस एम जी इन टू r प्लस r phi जो कि डिस्टेंस था। इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये रेफरेंस से r sin phi ऊपर चला गया तो इसकी हो जाएगी एम जी r sin phi। इसकी भी वेलोसिटी v होगी और इसकी भी वेलोसिटी v होगी क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट से बोल सकता हूं, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर का डबल। अब यहां से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा माइनस एम जी आर इज इक्वल टू एम जी आर साइन फाइव माइनस एम जी आर फाइव, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस टू से टू कट के एम वी स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए ये माइनस एम जी आर से तो माइनस एम जी आर कट जाएगा, ठीक है। इस एम जी आर और इस एम, ये एक आ जाए इधर आ जाएगा एम जी आर फाइव प्लस एम जी आर साइन फाइव इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। एम से एम एम कट जाएगा, जी आर दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा फाइव प्लस साइन फाइव, राइट। सॉरी ये नेगेटिव हो जाएगा इधर आके, सॉरी ये नेगेटिव हो जाएगा इधर आके क्योंकि ये इधर पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, तो उधर आके एम जी आर फाइव माइनस एम जी आर साइन फाइव माइनस फाइव माइनस साइन फाइव जी आर कॉमन इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर जो फर्स्ट इक्वेशन थी उससे अपन ने निकाला था वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी आर साइन फाइव, तो बस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी आर साइन फाइव इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो जी आर फाइव माइनस साइन फाइव इज इक्वल्स टू जी आर साइन फाइव, जी आर से जी आर कट जाएगा, फाइव माइनस साइन फाइव इज इक्वल्स टू साइन फाइव, तो यहाँ से फाइव इज इक्वल्स टू आ जाएगा टू साइन फाइव, और जो रेशियो पूछा है फाइव अपॉन साइन फाइव वो आ जाएगा टू। तो आपसे रेशियो यही पूछा था, फाइंड द रेशियो वैल्यू ऑफ फाइव अपॉन साइन फाइव जिसकी वैल्यू होगी टू, हेंस द आंसर टू द क्वेश्चन इज टू। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।